कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंतरी द्वारा टावर चौक पर लोगों के बीच स्वच्छता किट, मास्क और साबुन का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने और स्वच्छता अपनाए जाने को लेकर सख्त हिदायत दिया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दैनिक जीवन में मास्क को शामिल करना है और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करना है। साथ ही सामाजिक दूरी का अनुपालन और साफ सुथरा रहने की बात उन्होंने कही। आपको बता दें कि गवर्नर हाउस से प्राप्त उक्त सामग्री का वितरण उपायुक्त के हाथों किया गया। मधुपुर नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदों ने आज नगर परिषद के कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि शहरी पेयजलापूर्ति योजना में मनमानी की जा रही है। भेड़वा में बन रहे वर्टिकल 3 के बिल्डिंग का फाउंडेशन भी सही नहीं है। उन्होंने नगर परिषद के हटिया मार्केट के आवंटन में पारदर्शिता लाने का भी मांग किया। वहीं बिजली समस्या को लेकर विद्युत विभाग से उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाने का विरोध किया। मामला यह है कि मधुपुर शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का जो काम चल रहा है, अभी षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। कहने का उद्देश्य है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, ये सब वार्ड में एक भी पाइप का गड्ढा नहीं हुआ। पाइप बिछना तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि वर्टिकल 3 में जो भेड़वा में जो बिल्डिंग बन रहा है, 5,000 रुपया लोग दे करके वो वहाँ पे अपना आवेदन दे रहे हैं और उसको बिल्डिंग मिलेगा, लेकिन उसका फाउंडेशन सही नहीं है। जबकि नगर पालिका का जब से गठन हुआ तब से यहाँ का कचरा वहाँ 80 फीट 40 फीट गड्ढा में डंप होता था, लेकिन आज 12 फीट गड्ढा किया, आज भी फाउंडेशन उसका सही नहीं है और उसी पर वो बिल्डिंग तैयार हो रहा है। तीसरी बात, नगर पालिका में हटिया मार्केट का जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो आवेदन पड़ा है उसमें बहुत ही बिचौलिया घूम रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके। मैं इस मंच से कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ, मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी और उपायुक्त देवघर से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भावना से सारे आम होकर के उसको लॉटरी कराए, ताकि किसी को भी ये पता नहीं चले कि मधुपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिजली वाला जो समस्या चल रहा है, जो जेई अरेई घूम करके जो लाइन काट रहे हैं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि लाइन काटना बंद करें, क्योंकि कोरोना महामारी में काफी लोग परेशान हैं। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मधुपुर के समाज सेवियों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर डालमिया कुक चौक पहुंचे युवा समाज सेवी कुंदन भगत, शिक्षाविद पंकज पीयूष, भाजपा नगर अध्यक्ष अवनी भूषण, कांग्रेस मीडिया प्रभारी गोल्डी खान, अंकित सरन समेत दर्जनों युवाओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। साथ ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया।